गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रजनी सैनी, आई टीच इन आदर्श बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 की हम रीडिंग कर चुके हैं, ट्रेवल टाइम, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कैसे ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट के में हमने देखा था कि कार, ट्रक, बस, इसके बाद हमने एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था। आज स्टूडेंट्स चैप्टर का बुक और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप पेज नंबर 99 और 100 कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। टिक द राइट आंसर, जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तो देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे फास्टेस्ट है, यानी हम कुछ ही देर में एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी ही पहुंच जाते हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ नंबर डी ऑप्शन को टिक करेंगे। इट इज़ ए मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इनमें से ऐसा कौन सा है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है? तो देखिए, शिप जो है यानी जहाज है वो कैसा ट्रांसपोर्ट है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो नंबर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, किसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केमल को, क्योंकि वो इजीली डेजर्ट में चल पाता है, इसलिए नंबर ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 2, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। नंबर ए, वी यूज रोड ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस, क्या हम शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी के लिए रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं? तो देखिए, हम जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, कम दूरी है, उसको रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ट्रेवल कर सकते हैं, तो इसमें ट्रू आएगा। नंबर बी, ट्रेन रन ऑन स्पेशल ट्रैक कॉल्ड रेलवे ट्रैक, जो ट्रेन है उनके लिए स्पेशल ट्रैक बना हुआ होता है उसे रेलवे ट्रैक कहते हैं। यस, उनको रेलवे ट्रैक कहते हैं, यानी रेल की पटरियाँ बनी हुई होती हैं रेल के लिए, ट्रेन के लिए चलने के लिए, तो इसमें ट्रू आएगा। नंबर सी, एन एरोप्लेन कैन कैरी 4 to 6 पीपल एट वन टाइम, क्या एरोप्लेन जो है वो एक समय में केवल 4 to 6 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकती है क्या? नो, फॉल्स, इसमें कई लोग एक साथ बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए इसमें फॉल्स आएगा। नंबर डी, कार्गो शिप कैरी गुड्स, क्या कार्गो शिप है वो गुड्स यानी सामान ले जाने के लिए यूज़ की जाती है? यस, की जाती है, ट्रू आएगा। नंबर ई, ए पुलिस जीप इज़ यूज टू कैरी सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल, क्या पुलिस जीप है वो इंजर्ड, घायल और बीमार लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती है? नो, इसमें फॉल्स आएगा, क्योंकि एम्बुलेंस जो होती है वो सिक और इंजर्ड पीपल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, तो यहाँ फॉल्स लिखेंगे। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उनकी हेल्प से हम फिलअप कंप्लीट करेंगे। नंबर ए, एलिफेंट आर यूज्ड इन फॉरेस्ट टू कैरी हैवी लोग्स, जो एलिफेंट है, हाथी है, उसका यूज़ फॉरेस्ट यानी जंगलों में किया जाता है भारी सामान को उठाने के लिए, तो यहाँ एलिफेंट की स्पेलिंग लिखेंगे। नंबर डी, पीपल इन ओल्डन पीरियड, जो लोग हैं पुराने समय में, यूज टू वॉक ऑन, किसका यूज़ करते थे यात्रा करने के लिए? तो फुट, मोस्ट ऑफ लोग, पहले कोई ट्रेवल नहीं था उस समय में, व्हीकल की कमी के कारण और व्हील के आविष्कार के बाद ही लोगों ने कई ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, लेकिन उससे पहले वो फुट यानी पैदल ही अपनी ट्रेवल करते थे, यहाँ फुट लिखेंगे। फिर नंबर सी, डंकी एंड पोनीज आर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हिली एरिया, हिली यानी जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ऊंची जो जगह होती है वहाँ पे सामान को ले जाने के लिए किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है? तो वहाँ पहाड़ी इलाकों में डंकी और पोनीज का यूज़ किया जाता है, यानी गधे और खच्चर का, टट्टू का यूज़ किया जाता है। नंबर डी, इन विलेजेस बुलक कार्ट एंड ट्रैक्टर्स आर यूज टू यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट, गाँवों में मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन हैं? तो देखिए, बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर्स का यूज़ गाँव में किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। नंबर ई,
वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना, चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता मीन है किसका, ट्रांसपोर्ट का। तो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला ट्रांसपोर्ट और सबसे सस्ता कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद पेज नंबर 100 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें हम मैच करेंगे कॉलम ए को कॉलम बी से। नंबर ए कार, और कार है वो कैसा ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, इसलिए यहाँ नंबर 5 लगा देंगे। इसके बाद मेट्रो ट्रेन, और मेट्रो ट्रेन जो है वो कहाँ चली है, दिल्ली में और कोलकाता में चालू है, इसलिए दिल्ली और कोलकाता यहाँ नंबर 4 लिखेंगे। स्टीमर बोट, स्टीमर बोट जो होती है वो किस में चलती हैं, पानी में चलती हैं, तो ये कैसी ट्रांसपोर्ट है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ नंबर 1 लिखेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कैसा ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, हवा में चलता है, इसलिए यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट नंबर 2 लिखेंगे। फिर केमल जो है उसका यूज़ कहाँ होता है, डेजर्ट एरिया में, यानी जहाँ रेगिस्तान होता है, खूब मिट्टी मिट्टी होती है, वहाँ सामान और लोगों को ले जाने के लिए केमल का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ नंबर 3 लिखेंगे। तो यहाँ आप नंबरिंग डाल लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है जो हम अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लें, डेट डे चैप्टर, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं, आंसर लिखेंगे। द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जहाँ मूवमेंट यानी हलचल होती है, यानी लोगों को ले जाया जाता है या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यानी परिवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, गिव 4 रीजंस व्हाई पीपल नीड टू ट्रेवल। 4 हमें कोई भी रीज़न बताने हैं कि लोग ट्रेवल क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं। तो यहाँ नंबर 1 लिखेंगे, टू विजिट अनदर सिटी फॉर ए हॉलीडे। लोग दूसरी सिटी में जाते हैं हॉलीडेज़ बिताने के लिए, अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। और नंबर 2 लिखेंगे, टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों से मिलने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। टू रीच देयर स्कूल, अपनी स्कूल में पहुंचने के लिए भी हम किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू गो टू द मार्केट, मार्केट जाने के लिए भी हम कभी किसी न किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। हाउ डिड पीपल ट्रेवल इन एंशियंट टाइम, एंशियंट यानी प्राचीन समय में लोग है वो ट्रेवल किस प्रकार से करते थे। तो द एंशियंट टाइम पीपल यूज टू वॉक ऑन फुट वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए प्राचीन समय में लोग पैदल ही जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द रोल ऑफ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का क्या रोल है, क्या महत्व है। तो एन एम्बुलेंस इज यूज टू कैरी सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल। जो एम्बुलेंस होती है वो बीमार और घायल लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। नंबर ई, नेम सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ नेम लिखेंगे। तो सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर बोट, शिप, स्टीमर्स एंड राफ्ट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, सॉरी इस चैप्टर का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।